ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज की पांच बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। मुंबई के नायर अस्पताल की डॉक्टर पायल तड़वी के आत्महत्या के मामले में डॉक्टर हेमा आहूजा को अंधेरी स्टेशन परिसर से गिरफ्तार किया गया है। अब अग्रीपाड़ा की रहने वाली डॉक्टर भक्ति के बाद डॉक्टर अंकिता को भी गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों पर डॉक्टर पायल के साथ रैगिंग और खुदकुशी करने के लिए उकसाने का आरोप है। आदिवासी समाज से आने की वजह से डॉक्टर पायल को ये तीनों सीनियर डॉक्टर रैगिंग करती थी और रैगिंग से तंग आकर डॉक्टर पायल ने खुदकुशी कर ली। मगर अब पुलिस ये तीनों डॉक्टर भक्ति, अंकिता और आहूजा से पूछताछ कर रही है। तीनों को सेशन कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 2.5 करोड़ रुपए की कीमत की दो मुंह वाला दो सांप बरामद किया गया है। साथ में दो लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। नौघर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राम बाल्मीकि ने सूचना के आधार पर भैंदर में एक जगह दो लोगों को घूमते हुए पकड़ा और तलाशी के दौरान इनके पास थैले में दो मुंह वाले दो सांप बरामद हुए। यूपी की राजधानी लखनऊ में मेट्रो स्टेशन पर मुस्लिम महिलाओं को बुर्का हटाने को लेकर सुरक्षा गार्ड और महिलाओं में जमकर हंगामा हुआ। मवैया से चारबाग जा रही महिला यात्री से सुरक्षा गार्ड ने बुर्का हटाने को लेकर कहा, इस पर बहस हो गई। नाराज महिला यात्रियों ने टोकन वापस कर चली गई, मगर महिलाओं ने लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की है। निदेशक संचालक सुशील कुमार ने सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद कार्रवाई की बात की है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या अब तक 23 पहुंच गई है। जहरीली शराब पीने से एक एक कर 23 तक मरने वालों का आंकड़ा पहुंच गया है। पुलिस इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तृणमूल कांग्रेस को झटका देते हुए टीएमसी के विधायक मनिरुल इस्लाम बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में टीएमसी में विधायक मनिरुल इस्लाम, टीएमसी के नेता मोहम्मद आसिफ हाजरा ऐसे और कई नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके पहले भी मंगलवार को टीएमसी के दो विधायक और 60 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए थे। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।